विजय व्यास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जांपल है फिल द बॉक्सेस, यहाँ पर चार बॉक्स दिया है, 1, 2, 3, 4 और साइन के साथ दिया है। इन दोनों के बीच में का मल्टीप्लिकेशन है इक्वल्स 51 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 51 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 19 है, इन दोनों का समेशन 23 है और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 18। तो हमें पता लगाना है हर एक बॉक्स का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, जो ये जो बॉक्स है इसे हम नेम देंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे इसको, और इसे कहेंगे बी, और इसे कहेंगे सी, इसे कहेंगे डी। तब क्या होते हैं, आसान हो जाएगा, इसका बॉक्स का नाम आ गया तो अभी हम पढ़ सकते हैं ए इंटू बी इक्वल्स 51, ऐसा पढ़ सकते हैं, और ए प्लस सी इक्वल्स 23 पढ़ सकते हैं, बी इंटू डी इक्वल्स 99 बोल सकते हैं, और सी माइनस डी इक्वल्स 18 हम बोल सकते हैं। हमें क्या क्या मिल रहा है इसमें, सबसे पहले ए इंटू बी इक्वल्स 51 मिला, नेक्स्ट बी इंटू डी 99, थर्ड वन ए प्लस सी इक्वल्स 23, फोर्थ वन सी माइनस डी इक्वल्स 18। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थ्री और फोर चेस कर लो, तो ये थ्री का क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 23 है, और लास्ट का सी माइनस डी इक्वल्स 18 है। तो सब्सट्रैक्ट कर दो इसमें, तो ये पॉजिटिव है माइनस करेंगे, ये नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस साइन करेंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर प्लस सी है यहाँ पर माइनस सी है, ये दोनों कट हो गया, तो ये प्लस डी रिमेनिंग रहेगा, ये प्लस डी इज इक्वल्स टू 23 में अगर 18 गया तो 5। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लो, ए प्लस डी हमें क्या मिला, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो नेक्स्ट अभी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 51 फ्रॉम फर्स्ट इससे, और ये क्या है बी इंटू डी इक्वल्स 99 है। ओके, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ अगर ये से डिवाइड किया तो ये और ये कट हो जाएगा, बी इक्वल्स 51 डिवाइडेड बाई ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर दोनों तरफ डी अगर से डिवाइड किया तो ए डी कट हो जाएगा, बी इक्वल्स यहाँ पर मिलेगा 99 डिवाइडेड बाई डी। ओके, अभी इन दोनों में कंपेयर कर दो, बी इक्वल्स 51 डिवाइडेड बाई ए और बी इक्वल्स 99 डिवाइड बाई ए, मतलब लेफ्ट साइड दोनों सेम है तो राइट साइड भी इक्वल कर दो, दोनों सेम रहने की वजह से, देयरफॉर 51 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू 99 डिवाइडेड बाई डी बनेगा ये। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 51 इंटू डी इज इक्वल्स टू ए इंटू 99। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डी इक्वल्स 51, यहाँ पर 51 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 51 से डिवाइड किया तो डी का वैल्यू हमें मिल रहा है ए टाइम्स 99 डिवाइडेड बाई 51, ये डी का वैल्यू है इक्वेशन 2। तो अभी ये डी का वैल्यू हमें मिला तो ये डी का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 मीन्स डी इन इक्वेशन 1, देन वी गेट ए प्लस डी मीन्स ए टाइम्स 99 डिवाइड बाई 51 इज इक्वल्स टू 5। ओके, यहाँ पर क्या किया हमें, डी के जगह में ए इंटू 99 डिवाइड बाई 51 रखा, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो समझ लो 1, तो 51 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 51 टाइम्स ए प्लस 99 टाइम्स ए रहेगा, दिस इक्वल्स 5। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो 1 समझ लो, तो 51 99 कितना हो रहा है, 99 150 बनता है, 150 टाइम्स ए इज इक्वल्स टू
255. तो दोनों तरफ अगर 150 से अगर डिवाइड किया हम, तो ये दोनों गया, तो ये इक्वल्स लास्ट में हमें क्या मिल रही है, इक्वल्स 5 से कट होते 5 5 जर 25 5 1 जर 5 डिवाइडेड बाई 5 3 जर 15 0. ओके, हर 3 से कट हो जाएगा तो 2 3 7 जर 21 डिवाइडेड बाई 3 10 जर, यानी ये का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 17 डिवाइडेड बाई 10, मीन्स 1.7. ये इक्वल्स 1.7, ये हमें ए का वैल्यू मिला. तो सबसे पहले ए का वैल्यू मिला, तो हम ये का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे अंदर बॉक्स में. है ना, 1.7. तो इस एक वैल्यू से हम डी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस डी इज 5a, और डी का वैल्यू दूसरे भी, तो डी का वैल्यू निकालेंगे. चलिए, ए का वैल्यू 1.7 मिला, तो ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो. पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस डी इक्वल्स 5. तो ये 1.7 है, 1.7 रखो, प्लस डी इक्वल्स 5. तो हमें चाहिए डी, तो डी इक्वल्स 5, ये राइट साइड में लाओ, अर्थ नेगेटिव 1.7 बनता है. तो दिस डी इक्वल्स क्या आता है अभी, 3.5.00 में अगर 1.7 के माइनस किया तो क्या आएगा, 3.3 आता है, 3.3. डी का वैल्यू मिला हमें 3.3. तो डी क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, 3.3. तो ये इस क्या मिला हमें, ये इक्वल्स 1.7 मिला. डी इक्वल्स बी क्या होता है वो देखेंगे, सी क्या होता है वो देखेंगे, और डी हमें मिला 3.3. ठीक है, तो ए और डी से और बी एंड सी हम निकालेंगे. यहाँ पर देखो, बी इंटू डी गिवन है, बी इंटू डी क्या है, 99 है, तो हमें मालूम है डी का वैल्यू. तो बी इंटू 3.3 इक्वल्स 99. तो दोनों तरफ अगर 3.3 से डिवाइड किया तो ये दोनों कट हो जाएगा. बी इक्वल्स 99 डिवाइड बाई 33 इंटू 10 बनेगा, ये 33 डिवाइड बाई 10 बनता है, 10 ऊपर लिया. तो यहाँ पर b इक्वल्स 33 1 जार 33 33 3 जार 3 इंटू 10 मीन्स 30 बनता है. तो b का वैल्यू हमें मिल रहा है 30. तो b क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है. अभी नेक्स्ट d का वैल्यू एक बच गया, तो d सॉरी c का वैल्यू बचा, c किस में भी रख दो, a प्लस c है ना, 23 है, a प्लस c इक्वल्स 23 है. तो a का वैल्यू हमें मालूम है 1.7 प्लस सी इक्वल्स 23 एज वेल, तो सी का वैल्यू हमें चाहिए, तो 23 में ये 1.7 माइनस कर दो, तो सी का वैल्यू हमें मिलेगा 23 माइनस 1.7. तो 23 माइनस 1.7 कितना होता है, 21.3. ओके, सी का वैल्यू 21.3. तो यहाँ पर पुट कर दो सबका वैल्यू, सी इज 21.3, बी इज 30, ए इज 1.7, बी इज 30, सी इज 21.3 एंड 3, डी इज 3.3. ये हम इससे इस बॉक्स से हमें सब वैल्यू मिला 21.3. ओके, ये हमारा सॉल्यूशन है. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.